the graph between PT versus T for ideal gas. PT versus T का ग्राफ बनाना for ideal gas. At constant volume and number of moles. At constant volume and number of moles. तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन लिखूंगा. आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, किसी को आंसर बोलना है क्या? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर मोल. दक्ष एक बार आंसर बोल दे क्या आएगा. दक्ष, पीटी वर्सेस टी. देखो इलेवन वाले बच्चे, हाँ पैराबोलिक अलोंग. दक्ष अलोंग, हाँ बिल्कुल सही है. अब तुम ये इलेवन वाले बच्चे देखो, इलेवन वाले बच्चे, टेंथ वाले बच्चे, दक्ष ने जस्ट अभी एंट्री की है और एंट्री करते ही मैंने क्वेश्चन दिया उसको और आंसर दे दिया उसने इमीडिएटली. और मैंने तुम्हें कर्व सिखा दिया ना, उसको 10 बार पढ़ो तुम उन कर्व्स को, तो वो पढ़ोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप. कर्व को पढ़ो, मैंने कर्व का सारा डिटेल दे दिया जो 11th 12th में यूज होगा. देखो इधर पीटी वर्सेस टी, तो मेरे को वाई एक्सिस पे पीटी चाहिए इसलिए मैं इस साइड टी से मल्टीपे कर रहा हूँ और वी को ले जा रहा हूँ उधर नीचे, टी से उधर मल्टीपे कर रहा हूँ. ये आ गया. अब पी टी ये रहा जो कि वाई है और टी यहां पे है जो कि एक्स है. एन आर बाय वी क्या है? कॉन्स्टेंट. एम मान लो उसको एम एक्स स्क्वायर. किसी को डाउट कोई? तो एक्स स्क्वायर जो वाई अगर आता है तो कैसा बनता कर्व? अलोंग. कैसा बनता है? अलोंग वाई एक्सिस. और पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव तो लेते नहीं इसमें. ये आएगा आंसर. विधि समझ आया? मैं क्या पूछ रहा था विधि? यस सर, बना तो यही था पर मैं बोल नहीं पाई सर. हाँ मैं, मेरे को पता लग गया था लेकिन बोलने आना चाहिए. देखो दक्ष ने पूछा, बोला ना दक्ष ने इमीडिएटली अलोंग वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस में है ना? यस सर, अब आ गया समझ. हाँ नहीं विधि का सही था मुझे पता है, लेकिन मैं बस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे ही पूछते हैं अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. अब अगर क्वेश्चन होता पीटी वर्सेस टी स्क्वायर का, इसका कर्व कैसा बनता है? बोलो विधि फास्ट. पीटी वर्सेस टी स्क्वायर स्ट्रेट लाइन आएगी. हाँ विधि बहुत अच्छे. विधि तुम अपना मेहनत करो दोबारा, ऐसे ही तुम बहुत अच्छे आंसर देते हो. PT वर्सेस T स्क्वायर, तो इस केस में y जो mx की फॉर्म आ जाएगी. अब PT हमारा y है और T स्क्वायर हमारा x है, तो y जो mx आ गया. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप एन आर बाई वी. अब ये आ जाएगा PT वर्सेस T स्क्वायर. समझ आ गया कि नहीं? ये PT वर्सेस T स्क्वायर का ये करवा जाएगा. डाउट किसी को? चलो देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन. अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा. ये चार पांच क्लासेस होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए. ये गर्व तेरे को समझ आ गया? यस सर. हाँ गर्व ट्राई करियो आंसर देने का. अब नहीं होगा तो घबराना नहीं है, ये सब तेरे से दो दो तीन तीन साल बड़े हैं. अच्छा एट कॉन्स्ट, ध्यान देंगे, एट कॉन्स्टेंट टी, एट कॉन्स्टेंट टी लिख देंगे 300 केल्विन. कॉन्स्टेंट टी 300 केल्विन. 1/V वर्सेस पी, 1/ वर्सेस पी. ग्राफ इज प्लॉटेड, 1/V वर्सेस पी ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर आइडियल गैस. फॉर आइडियल गैस फाइंड मोल्स ऑफ द गैस. फाइंड मोल्स ऑफ गैस, तुम्हें मोल्स निकालने गैस के. ये कर्व है, वैल्यू बतानी है कितने मोल्स आएंगे.
आंसर बोलेंगे, कोई भी आंसर बोलो एक बार जल्दी। चलो ध्यान देंगे फिर, दक्ष तेरे को आंसर बोलना, दक्ष समय बोल। 1/24.63√3 यही होना चाहिए। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट। विधि ने भी निकाला है, विधि चलो ध्यान देंगे फिर। पीवी डोनाटी है, पीवी डोनाटी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/V/P की फॉर्म में, क्लियर। 1/V/P की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लूंगा 1/V इस साइड, P/NRT, यही चीज है, ये यही चीज है ना। 1/V क्या हो गया वाई, और ये पी क्या हो गया एक्स, एम एक्स आ गया। हाँ वाई जीरो एमएक्स की फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आ गई। स्लोप कितना है इसका 1/NRT, एम की वैल्यू क्या है 1/NRT, स्लोप 1/NRT है, एंड दिस इज इक्वल टू 1060 होता है ना स्लोप, स्लोप क्या होता है tan थीटा, पर टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां से एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 RT, ये जिसने निकाला उसको सही है बिल्कुल। और रूट थ्री आर टी मीन्स 1/√3 R की वैल्यू 0.0821 into T, T हमारा कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन, और ये सबको पता है 24.63 होता है, ये 24.63 है, तो 1/N आ गया, N आ गया 1/24.63√3, इतने मोल्स आ जाएंगे। किसी और को निकला था ये आंसर? यस सर, करो। अनन्य का भी सही है, वंशिका का सही है, आंसर बोला करो, क्लास में कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हें, आंसर बोला करो। अभी इजी इनवर्कल कर रहे हैं, टफ नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है, अभी बहुत इजी इनवर्कल है ये, तो आंसर बोलोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा सबको। चलो नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 0.0821 एटमोसफेयर, कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है 0.0821 एटमोसफेयर, log V versus log T प्लॉट किया हमने, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं टेकन इन द सैंपल, log V versus log T ये प्लॉट किया, ध्यान देंगे log V versus log T, log V versus log T प्लॉट किया है, नंबर वन निकालने सैंपल के अंदर, N1 है यहाँ पे, P कांस्टेंट है, ध्यान रखना चीज का, ये है N2, वैल्यू दे रखी है ये 0.477, और ये दे दिया मैंने अगर 0.602, और यहाँ N3 मोल्स हैं, यहाँ N3 मोल्स हैं, तो तुम्हें निकालना है अब वैल्यूज इनकी, N1, N2, N3 की, जो भी वैल्यूज आएंगी वो बतानी है तुम्हें, देखते हैं किसका सही निकलता है। फास्ट
आंसर बोलेंगे एक बार? देखो सर, मेरे को लॉग वी वर्सेस लॉग टी बनाना, किसी को आंसर बोलना है? देखो सर, देखो v इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी है, v इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी बाय पी। अगर log v वर्सेस log t चाहिए तो हमें क्या करना है, सिंपली log लेना है दोनों साइड, log v इज इक्वल टू log t प्लस log एन आर बाय पी। स्लोप उसका क्या आ गया, log एन आर बाय पी, स्लोप आ गया log बेबी। ये वैल्यू मैंने दे रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी है 0.4771, ये ना, ये वाई इंटरसेप्ट दे रखा है इसका। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, लॉग एन आर बाय बी। स्लोप क्या है इसका, 1। स्लोप 1 है ना 10.45, तो उससे कोई मतलब नहीं हमारा। लॉग एन आर बाय पी इज वाई इंटरसेप्ट, लॉग एन आर बाय पी इज वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ से आ गई वैल्यू, लॉग एन आर बाय पी इज इक्वल टू, पहले अगर मैं पहले केस की बात करूं एन1 के लिए, लॉग एन आर बाय पी, एन आर बाय पी इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट यानी 0.4771, या यही मान लो। और ये कितना होता है, log 3, ये सबको पता है log 3 होता है, log पढ़ाया हुआ मैंने। तो nr by p आ गया यहाँ से 3, nr by p 3 आ गया, और r मैंने दे रखा है प्रेशर दे रखा है 0.0821, तो r से r क्या हो जाएगा एक तरह से कैंसिल, तो n1 की वैल्यू आ गई 3। ये n1 है यहाँ पे, n1 आ गया 3, इजी कैलकुलेशन, 3 3 मोल आ गया n1। अब n2 निकालना है, अगर क्लियर, अगर n2 निकालना है तो यहाँ पे अब y इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट 0 मींस log 1, अब लिख देंगे log n2 r by p इज इक्वल टू log 1, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है मींस log 1, तो n2 आ गया यहाँ से, कितना आ जाएगा n2 1, ये एक मोल आ जाएगा। तीसरा केस जिसमें हम log n3 r by p को क्या लिखेंगे, log n3 r by p को क्या लिख देंगे, 0.602। y इंटरसेप्ट कितना है उसका, 0.602, स्लोप इसका नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा, n3 r by p तो कैंसिल ही है, और वो हो जाएगा 0.6021। क्या होता है log किसका होता है, ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, log 5 होता है 0.6020, 5 नहीं, log 5 तो 0.699 होता है, ये होगा log 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। दक्ष क्या आंसर आएगा n3 का, दक्ष, अक्षज, n3 की वैल्यू नेगेटिव में है, सॉल्व नहीं कर, अक्षज, अक्षर ये दक्ष तू तो जरूर कर सॉल्व, क्योंकि तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कई बार 12th के उसमें। किसी और बच्चे ने निकाला आंसर, किसी और बच्चे ने निकाला आंसर 12th में से, श्रेया सर 1/4 होगा क्या, बहुत अच्छे अक्षर तूने बोला है, यस सर, हाँ बिल्कुल सही है, ये होगा माइनस लॉग फोर आएगा ना, तो यहाँ पे लॉग था ही पहले, तो लॉग से लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, और लॉग 1/4 आएगा, यानी n3 ये r से p कैंसिल, क्योंकि r और p सेम दे रखे मैंने ऊपर, है ना, प्री प्रेशर 0.021, तो n3 जो आएगा वो 1/4 आएगा 0.25। ये गलती होती है जो अभी 12th वाले बच्चों ने, मुकुल ने, विधि ने, सबने गलत बोला जो, तो ये चीज ध्यान रखना इस चीज का। नीचे y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव लेना था यहाँ पे, y इंटरसेप्ट क्या लेना था, नेगेटिव, ये मैंने सिखाया है कर बनाते समय ये, और 4 और 1/4 तो डेफिनेटली ऑप्शन होंगे, 4 और 1/4 तो दोनों ऑप्शंस होंगे ना ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट था इसका, n3 जो निकालना था वो इंपॉर्टेंट पार्ट था। सोच समझ के क्वेश्चन करना है, यहाँ पे कर रहे हो तो उसको एज ए टेस्ट लो, ताकि एग्जाम का जो प्रेशर है वो तुम्हें कम लगे। यहाँ जो क्वेश्चन निकालने को मिलते हैं ऐसे वाले केसेस आते हैं जब मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, उसको बहुत सीरियसली लो और आंसर निकालो यहाँ पे, यहाँ आंसर निकलेंगे तो वहाँ सही करोगे आंसर। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। कर्व्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सिखा दिया तुम्हें, कर्व्स के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, नेक्स्ट नोट करेंगे, थोड़ा इजी पार्ट लेंगे इसी में। तो क्वेश्चन इसके अंदर है, मान लिया ये स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, 10 लीटर सिलेंडर में O2 गैस प्रेजेंट है, इन ए 10 लीटर सिलेंडर
O2 gas is present at say 400 atmosphere. इस पे O2 gas present है. अब तुम्हें बताया, if a patient breathes, say 0.5 centimeter cube oxygen in each breath. 0.5 centimeter cube oxygen in each breath. तो तुम्हें बताना है for how many breath cylinder will last? How many breaths will patient will be able to take? Patient takes. कितने breaths के लिए oxygen है? दक्ष आंसर बोल. विधि का 20,000. चलो गर्व. यस सर. गर्व समझ आ रहा है? यस सर. गर्व, इस टाइप का कुछ चैप्टर तेरा उसमें है या नाइन्थ क्लास में? उसमें कुछ है ऐसा हिंट चैप्टर में थोड़ा? हाँ नहीं है सर. नहीं है? अच्छा. नाइन्थ क्लास में कोई चैप्टर है तो सही. कैसा स्टेट सोमेटा टाइप का? दक्ष 7980. दक्ष, इसमें तेरे को मानना कि वैक्यूम क्रिएट हो रहा है सिलेंडर में. ये तुम्हें मानना कि वैक्यूम क्रिएट होगा सिलेंडर में. देखो सर, 10 लीटर का सिलेंडर है और 400 एटमॉस्फेयर पे इसमें ओटू गैस है. 400 एटमॉस्फेयर पे ओटू गैस है और जो पेशेंट ब्रीथ करेगा वो एक ब्रीथ में 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ओटू ब्रीथ करता है एक ब्रीथ में. तो मैं निकालूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है एट 1 एटमॉस्फेयर. टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है एट 1 एटमॉस्फेयर? तो उसके लिए निकालेंगे तो क्या लगेगा? P1V1. देखो P1RT होता है, ध्यान देना. हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है तुम्हें. हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो कांस्टेंट रहेंगे, बस हमने उसको कंप्रेस कर रखा है ना, प्रेशराइज कर रखा है 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इतने ज्यादा प्रेशर से. आर होता ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे तो एनआरटी कांस्टेंट मींस बॉयल्स सॉ लग गया P1V1 P2V2. नहीं समझ आई बात? ये चीज समझ आ गई कि नहीं? मैं हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करूंगा. बुक्स में लिखा होगा टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए बॉयल्स सॉ लगा दिया. मैं ऐसे करूंगा क्वेश्चन P1V1 P2V2 अप्लाई करके, ताकि तुम्हें क्लियर होता रहे कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट. तो प्रेशर वन कितना है? 400 एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर का. P2 1 एटमॉस्फेयर पे करना है उसको. 400 एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर पे करना है तो 1 एटमॉस्फेयर करना है तो V2 कितना हो जाएगा? V2 कितना हो गया यहां से? 4000 लीटर. 4000 लीटर मीन्स 4 × 10^6 मिलीलीटर. 4 × 10^6 मिलीलीटर हो गया.
तो अब इतना मिलीलीटर तुम्हारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ब्रीथ में वो 0.5 ml लेता है, तो टोटल कितना ऑक्सीजन ब्रीथ इन करेगा वो, टोटल कितने ब्रीथ लेगा वो? 8 into 10 बस ये किसी निकला ही नहीं किसी का, 0.5 ml इन वन ब्रीथ, तो 4 into 10^6 ब्रीथ ml में कितनी ब्रीथ होंगी, 1/0.5 × 4 × 10^6, तो 8 × 10^6 आ जाएगा आंसर। निकला था किसी का आंसर ये 8 × 10^6 ये है, ml में नहीं निकाला था, नहीं ml में ही करेंगे वो तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये था 8 × 10^6 ब्रीथ्स होंगी, यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट गलत करोगे गड़बड़ हो जाएगी, यूनिट मत गलत किया करो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स टेकन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स टेकन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 8.21 लीटर, क्लियर, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 8.21 लीटर एंड अब यहां ध्यान देंगे d by dt of pt at 400 Kelvin, at 400 Kelvin is equal to 800, तो नंबर मोल निकाल ले तुम्हें, चेक करो इसे। ये टेंथ वाले बच्चों ने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ कि नहीं? तो पढ़ रहा हुआ है, पढ़ रखा है कि नहीं, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा? सर 10 आ रहे हैं, यस सर क्लियर सर, मिलीलीटर में 10,000 मोल्स आ रहे हैं, मिलीलीटर में मोल्स, मिलीलीटर में क्या, सॉरी वो मैंने वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया था ना, तो 10,000 आ रहे हैं, 10,000 मिलीमोल्स, हाँ कह सकते हैं सर, 200 आ रहे हैं मेरे, सर मेरे भी 200 आ, सर मेरे 200 नंबर बोल्स निकालने हैं तुम्हें, नंबर बोल्स निकालने हैं, आवाज कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर है एक बार चेक करना, यस सर, यस सर अभी क्लियर है, वॉइस क्लियर है, यस सर, हाँ चलो एक बार देखना। देखो जैसे अभी मेरे को दिया पीवी रूटीन आरटी होता है, मेरे को चाहिए डी बाई डी टी ऑफ पी टी, डी बाई डी टी ऑफ पी टी चाहिए, तो क्या करेंगे टी से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पहले किया था हमने, पी टी इज इक्वल टू एन आर टी स्क्वायर बाय वी, ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डी बाई डी टी ऑफ पी टी एट 400 केल्विन निकालना है, पहले डी बाई डी टी ऑफ पी टी क्या होगा, टू एन आर टी बाई वी होगा, ये तो कॉन्स्टेंट अलग हो जाएगा, 2 nRT by V आ जाएगा। Now this is to be calculated at 400 Kelvin बोला इसने, at 400 Kelvin
वैल्यू क्या है इसकी 800 800 इक्वल टू 2n by 8.2 liter था तो ये ब्रेक हो रही है कैंसिल हो जाएगा 100 से ये कैंसिल हो गया